हेलो, दिस इज़ बलवीर शर्मा। आज का वीडियो एक दिवसीय कार्यशाला रंग मल्हार पर है, जो इंटरनेशनली वर्कशॉप है, जो विद्यासागर जी उपाध्याय द्वारा कॉन्सेप्चुअल है और यह इसका सबदवा प्रकरण है। मैं अपनी कार गंगा शहर छोड़कर बाय टैक्सी आ जाता हूँ कोर्ट गेट फाटक पर, जो बीकानेर विजय भंडार के पास है। यहाँ पर विकास भाई का वेट कर रहा होता था। बीकानेर शहर की राजनीति का मुद्दा रहा यह फाटक दिखाई देता है। इसके बाद बंद होने के साथ ही बीकानेर के एम रोड बाजार एक बार रुक सा जाता। ट्रेन केवल अपना ट्रैक चेंज करने के लिए यहाँ तक आई थी। फिर पहुँचते साधुल स्पॉट स्कूल, जहाँ पर ये सारा प्रोग्राम होना है। ट्रेन आती है और इसके बाद फिर से वापस निकल जाती है। तब तक के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता। हर बार राजनीति में ये मुद्दा रहता है कि भाई साहब यहाँ पर अंडर ब्रिज बनाओ, एक्सीलेटर रोड बनाओ, ये वगैरह 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 वगैरह। हम लोग पहुँच जाते साधुल स्पॉट स्कूल पर, तभी ये सर हमें अपनी स्कूटी के साथ ही सालात में दिखाई देते हैं। ये यहाँ का गेट है और ये खड़े हैं सर। हम इनके लिए करना तो बहुत कुछ चाहते थे बट कुछ भी नहीं कर पाए। और ये स्कूल है सामने, जो शायद राजस्थान का पहला स्पोर्ट्स स्कूल था। इसने काफ़ी खिलाड़ी दिए इंडिया टीम के लिए अलग अलग खेलों में। यह है आवासीय विद्यालय भी है। मैं और विकास भाई बाइक लेके यहाँ तक पहुँच जाते हैं। यहीं पर जो कार्यक्रम है इस बार आयोजित हो रहा, अलग अलग कार्यक्रम हर वर्ष अलग अलग जगह पर होता है। हम अपनी बाइक पार करके वर्कशॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रथम दृष्टि इस तरह का दृश्य दिखाई देता है, लाइक भीड़, कलाकार और केतली, जो कि आज के प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट था। केतली, इस पर कुछ भी कलाकारी करनी थी, आर्ट एंड क्राफ्ट दोनों मीडियम से। तभी पहुंच जाते हैं मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कला जी, और उन्होंने सभी कलाकारों को आठ शब्द कहे। कलाकारों को कला पर उन्होंने अलग अलग बताया। सभी लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए और इन्होंने यहाँ का इनोग्रेशन करना था। फीता काटा, अंदर गए, देखा सभी का वर्क, और ये था इस प्रोग्राम के बारे में रंग मल्हार। ये मेरा वर्क था लैंडस्केप का। इसे केटली की डिज़ाइन वुड कटिंग पर मैंने किया। ये यहाँ पर मुदित शर्मा बैठे हैं, जिन्होंने रामपुरी हवेली का करा है केटली पर। तनुजा है, इसने कुछ डिज़ाइन करी है केटली पर। इनके पास रियल केटली है। और ये वीरेंद्र भाई है, इन्होंने अपना बना दिया है पहले, कठपुतली बनाया था। अंकित भाई है इधर में, और ये स्कूल का गैलरी है। ये हमारे पास ही रामपुरे कॉलेज का ग्रुप बैठा है, उन्होंने राजस्थानी कल्चर को थीम रख के सारे के सारा वर्क किया है। वर्क काफ़ी अच्छा है इन लोगों का। और ये रामपुरे कॉलेज के 7-8 लोगों का ग्रुप है जो यहाँ पर बैठा है। इसके अलावा भी बहुत सारे लेडी एल्गिन स्कूल से है बीकानेर के, और भी बड़े से छोटे तक उम्र के, हर उम्र के यहाँ पर कलाकार है। यहाँ पर ये कलर पे सॉफ्ट पेस्टल में काम करा गया, मदर एंड चिल्ड्रन, और ये शिव जी का। इसके बाद ये मुकेश जी सांसियार है, जो कि बादल कला को यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पर दिनेश जी है, दिनेश भाई है, जो उस्ता कला को केटली पर बनाया इन्होंने और रियल केटली को लिया है। यहाँ पर मंजू जागनेड है, और ये बाकी बहुत सारे कलाकार हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता। सब ने अलग अलग मीडियम लिए हैं, और किसी किसी को कागज़ से बना हुआ भी डिज़ाइन मिला है, तो उन्होंने उस पर भी काम करा है। इन्होंने गोल्डन में क्राफ्ट का करा है, इनका बहुत ही अच्छा काम है। और ये इन्होंने पोस्टर कलर यूज़ करे हैं, और अलग अलग है, किसी के फैब्रिक है, किसी के पेस्टल हो गया, एक्रेलिक ऑयल में मेरे हिसाब से शायद किसी का ना होने को हो सकता है। योगेश जी सर है यहाँ पर, और ये सुनिधि है यहाँ पे कुछ ट्री वगैरह जैसा बना रही है, क्योंकि इसका मेन मीडियम लैंडस्केप को लेकर रहता है, तो कहीं ना कहीं वो आ रहा है। और ये बाकी बहुत सारे कलाकार हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से 60 से 70 लोग होंगे टोटल। सबका अलग अलग मीडियम था, किसी ने ओरिजिनल केटली है वो यूज़ करी थी, किसी ने उसका डिज़ाइन यूज़ करा था, और कुछ एक लोगों को लास्ट में केटलियाँ थोड़ी कम थी तो कागज़ की बनी हुई भी केटलियाँ भी मिली। मैं यहाँ पर लग जाता हूँ खाना खाने के लिए, जो कि सुनीति परांठे लेकर आई थी और मूसा पनीर की भुर्जी लेकर आई थी आई थिंक। फिर यहाँ पर मैंने लास्ट में कुछ टाइम तक सर्टिफिकेट पर लोगों के नाम प्रिंट करे, लोगों को वो सर्टिफिकेट दिए। उसके बाद हम सब ने मिलकर एक ग्रुप फ़ोटो करवाई, जिसके अंदर मेरा फ़ोटो तो नहीं है बट मेरी केटली का फ़ोटो ज़रूर है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं बीकाना चौपाटी, जहां पर इसी दिन सेम डे दूसरा प्रोग्राम था। यहां पर जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं वो सब इधर हैं, जो कि संख्या में बहुत कम थे। इन्होंने कुछ इस तरीके का बनाया, साथ में ये मुकेश जी हैं, और ये लीना हैं,
जिन्होंने अभी तक कैनवास को फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर दिया है, उन्होंने कुछ मून करके बनाया लास्ट में जो आप कंप्लीट पेंटिंग में देख सकते हैं। ये मुकेश भाई साहब हैं, रियलिस्टिक में बहुत अच्छा काम करते हैं। और इसके बाद ये कमल भाई साहब हैं, इनका बहुत अच्छा वर्क है जो कि अभी स्टार्ट ही करा है, तो यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, बट लास्ट में एक पोर्ट्रेट है सिख मैन का, तो अब वो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट था। और ये बाकी जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं यहाँ पर बैठे हैं, कुछ बातें करें। इसके बाद ये फाइनल रिजल्ट है इसका, लैंडस्केप है बीकानेरी कल्चर हवेली को लेकर, ये लीना सोनी का है। और ये रामपुरिया के कुछ स्टूडेंट हैं, मैं उनका अच्छे से नाम नहीं जानता। और ये शंकर सर का है, ऊपर का है वो, नीचे का उन्हें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।